12 बजे बर्फ लाया गया है एक ट्रक में, ट्रक में बर्फ लाया गया भर भर के, 100% श्योर है डेड बॉडीज थी। दबाया जा रहा है मैटर, बहुत घटिया तरीके से चल रहा है। कमर टूटी, किसी की पैर टूटी है, सबूत है, हवाबाजी बात कुछ भी नहीं होगी, सारी वीडियो है। मैडम ये मैनेजमेंट की लापरवाही है। क्लासरूम में नॉर्मली 300 स्टूडेंट तो रजिस्टर्ड रहते हैं और 50 से 100 डेमो के रहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए 300 साढ़े 300 तो कन्फर्मली होंगे। ये पढ़ाई के नाम पर सिर्फ व्यवसाय किया जा रहा है। सीआरपीएफ वाले ने हमें डंडे लाठी चार्ज किए हैं। और इनके जो क्लास ले रहे थे सर, वो अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहे? इस वक्त मुखर्जी नगर में हूँ। जिस वक्त आपने देखा था कि किस प्रकार से मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, आप देख लीजिए यही वो कोचिंग सेंटर है जहाँ पे आगजनी हुई थी और तमाम स्टूडेंट घायल हो गए थे और तमाम स्टूडेंट यहाँ पे एकजुट हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप देख लीजिए कि एक ही गेट है, एंट्री और एग्जिट यहीं से होना है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कोचिंग सेंटर की व्यवस्था है एकदम, और तमाम स्टूडेंट हैं उनसे बातचीत करेंगे, यहाँ पे एकजुट हैं। उसी दिन से 15 तारीख से ही लगातार स्टूडेंट एकजुट हैं और यहाँ पे लाठी चार्ज भी किया गया, तमाम राजनीतिक दल भी आए हैं। क्या लग रहा है सर, आगजनी हुई तो आप लोग यहाँ थे? नहीं, हम लोग नहीं यहाँ पे, हम लोग नहीं थे, हम लोग वर्कर आदमी हैं, यहाँ पे नहीं थे, दूसरी जगह काम कर रहे थे। तो कब पता चला आपको? अरे हमको वही शाम को 4 बजे करीब में पता चला। कहाँ से आए हैं आप? यहीं मुखर्जी नगर से ही हैं? हाँ मैडम, मैं ऑलरेडी मुखर्जी नगर से ही बिलोंग करता हूँ। तो कैसे देख रहे हैं इस कोचिंग सेंटर में आग लगना और तमाम जो है व्यवस्था है, कैसी लग रही है आपको? मैडम ये मैनेजमेंट की लापरवाही है जी। और दूसरी ओर एक्चुअली यहाँ मुखर्जी नगर सिटी में यह पढ़ाई के नाम पर सिर्फ व्यवसाय किया जा रहा है, ठीक है, और दूसरी ओर कोचिंग सेंटर वालों को सिर्फ अपना मुद्दा है सिर्फ व्यवसाय का, ठीक है, पैसे कमाने का, सिर्फ बच्चा IAS बने या नहीं बने उनको मतलब नहीं है, भीड़ का हिस्सा बनाना है। हम इसकी मुखालफत करते हैं और हमारे जितने भी सहपाठी हैं संस्कृति आयस के स्टूडेंट हैं या अदर स्टूडेंट, हम इसकी मुखालफत करते हैं। तो हम संस्कृति IAS से या अदर कोचिंग वालों से ये कहना चाहते हैं कि वो भीड़ का हिस्सा ना बनाए और कम लेंथ में स्टूडेंट रखें, 50-60 बच्चे रखें। जो नई 2020 की नई शिक्षा नीति जो लागू हुई थी उस अनुरूप ही एक्शन लिया जाए और स्टूडेंटों को पढ़ाने का शुभ अवसर दिया जाए और आइंदा से संस्कृति IAS को ध्यान देना चाहिए कि इतना बच्चा ना रखे। यदि आप बच्चा ज़्यादा रखते हो तो आइंदा भी घटना हो सकती है। तो आप लोग देख पाए होंगे और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि छोटी सी संस्था होती है उसमें ढेर सारे बच्चे, यानी कि 400 से 500 बच्चे ठूस दिए जाते हैं, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। तमाम स्टूडेंट का जमावड़ा, सारे लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं, क्या कहेंगे सर? मैम सॉरी, हाँ बताइए, पूछना क्या, ये बताइए ना, कितने स्टूडेंट थे इस कोचिंग में जब आग लगी? क्लासरूम में नॉर्मली 300 स्टूडेंट तो रजिस्टर्ड रहते हैं और 50 से 100 डेमो के रहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए 300 साढ़े 300 तो कन्फर्मली होंगे, ये 100% है। और व्यापार बना रखा है शिक्षा का, 1.5 से 2 लाख ले रहे हैं, सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं दे रहे, बताओ क्या करना है इनका। और इनके पास हाइब्रिड बैच रहता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहता है, ऑनलाइन बंद क्यों कर दिए 1 घंटे से, कुछ बताया क्यों नहीं जा रहा है? और इनके जो क्लास ले रहे थे सर, वो अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहे? जिंदा है तो आओ ना सामने, कि भाई बताओ कि हाँ हम लोग थे वहाँ पे। सब दबाया जा रहा है मैटर और मतलब बहुत घटिया तरीके से चल रहा है। और कोचिंग के जो संचालक हैं वो क्या कह रहे हैं, आप लोगों से स्टूडेंट से बात किए क्या? कोई नहीं आया है यहाँ, कौन आया, कोई संचालक आया क्या भाई यहाँ पे? कोई नहीं आया है, कौन आया बताओ ना, कोई नहीं आ रहा। हम लोग खड़े, हम पे लाठी चार्ज हो रही है, हम लोग नाइट में खड़े हैं, हमने प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है, हमने प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं दी, प्रशासन ने हमें दौड़ाया है। क्यों दौड़ाया, हम तो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, बताओ क्या दिक्कत है इनको? हम लोग भाई, हम लोग ने इनको कोई दिक्कत दी? संवैधानिक अधिकार है। सीआरपीएफ वाले ने हमें डंडे लाठी चार्ज किए हैं, हम सब भागे हैं। रीजन क्या बताया आप लोग को यहाँ से भगाने का? रीजन ये बताए, भीड़ इकट्ठे मत करो, ठीक है, अंदर कुछ भी नहीं है, भीड़ इकट्ठे मत करो, चले जाओ, मैं प्यार से कह रहा हूँ।
हम सब शांतिपूर्ण तरीके से अनुच्छेद 19 कहता है, ठीक है, अभी व्यक्ति की आज़ादी, स्वतंत्रता ये सब कहती है, बोलने की आज़ादी है हम सबको, उसमें भी रोक लगाया जा रहा है प्रशासन। आंदोलन तो कोई भी बंदा कर सकता है। बीजेपी के सांसद भी आए थे, मनोज तिवारी जी आए, क्या बोले? वो आए, वो 5-10 में उन्हें ऊपर ले जाया गया, दिखाया गया, और वो आए और वो बोले अंदर कुछ भी नहीं है बाबू, बस 5 मिनट वो बाहर रुके, अपने गाड़ी में बैठ के पुनः चले गए, फिर उसके बाद कोई नहीं आया। प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन? कोई आश्वासन, प्रशासन कुछ आश्वासन ही नहीं दे रहे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ना कोई मीडिया वाले अंदर। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, सपोज दैट अंदर कुछ भी नहीं है, मान लो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ये इतने क्यों लगे हुए? चलो मानो कि भाई यहाँ पे क्राइम सीन है, दो बंदे खड़े रह जाते, हमें यहाँ से भगाया क्यों जा रहा है नाइट नाइट में? कुछ तो है ना ये मैटर। और यहाँ पर 12 बजे बर्फ लाया गया है, एक ट्रक में बर्फ लाया गया भर भर के, वहाँ पे रखा गया, कह रहे कि हम रोज आते हैं 4 बजे। मैं क्या 12 बजे क्यों आ रहे हो तुम लोग? मैम बहुत बड़ा गेम चल रहा है, ठीक है, अब यहाँ है ना, सब स्टूडेंट को भगाना चाह रहे हैं। 10-12 जिस दिन घटना हुई है, सुबह में एम्बुलेंस आए, घटने के बाद आधा एक घंटा बाद, 2 घंटा बाद, कोई नहीं, मैं समझ सकता हूँ बॉडी को ले जाने के लिए, लेकिन 10:30-11 बजे क्यों आ रहे हैं एम्बुलेंस? 10-10, 12-12, और जब देख रहा है छात्र इकट्ठा है, फिर वो चला जा रहा है। यानी कि जब यहाँ पे सुनसान, जब स्टूडेंट चले गए, तब एम्बुलेंस आई है? तब आई है, हम सब उस साइड थे, इधर आया, जब आ रहे एम्बुलेंस यहाँ, जब हम सब छात्र उधर थे, चुपके से आ रही, जब देख रहा छात्र है, फिर हम सब आए, फिर वो एम्बुलेंस को चला गया वो एम्बुलेंस। तो क्या जो घायल स्टूडेंट है उनके पेरेंट्स को सूचित किया गया? पेरेंट्स को पता होगा तब तो, पेरेंट्स को पता होगा तब। एक लड़की थी धरना पे जो रात पूरी रोई, वो बता रही है, मेरी फ्रेंड है, 2 दिन पहले बिहार से आई, डेमो करने गई, नहीं मिल रही है, ना फोन लग रहा ना कुछ, नहीं, वो नहीं मिल रही है, वो बता रही है, बैठी हुई थी कल या परसों रात में धरना पे, रो रही थी, वो कह रही नहीं। तमाम छात्र रस्सियों से लटके हैं, तो इसमें लड़कियां भी पढ़ रही होंगी, वो कैसे निकली होंगी? यही तो, जब एक रस्से पर 5-6 लड़के हैं, उस पर लड़की फिर आई गई, तो लड़की कूद रही, जो कूदी, किसी की कमर टूटी, किसी की पैर टूटी है, सबूत है, हवाबाजी बात कुछ भी नहीं होगी, सारी वीडियो है, जो लड़की कूद गई है, और गेट पे तो निकल नहीं सकते, आग लगी है, तो आखिर गया कहाँ सर? तो कितने स्टूडेंट उस वक्त पढ़ रहे थे, और तमाम स्टूडेंट डेमो भी करने आए होंगे, उनका तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा? 400 की फाउंडेशन बैच चलती है, 400 की फाउंडेशन बैच चलती है, लेकिन बताया गया 250-300 बच्चे थे क्लास में, रस्से से 50-60 मुश्किल से उतरे होंगे, और कहाँ गए फिर, कहाँ गए? और यही सब सवाल है। आप यहीं रहती हैं? ना, मैं तो बेटा काम करती हूँ। तो देख लीजिए, ये तमाम स्टूडेंट्स हैं, और जो हजारों किलोमीटर दूर से देश की राजधानी में आते हैं IAS बनने, लेकिन उनके साथ क्या होता है? प्रशासन की ऐसी व्यवस्था कि स्टूडेंट्स आग में झुलस जाते हैं। कहा जाता है कि बच्चे भविष्य होते हैं भारत का, जो IAS बनेंगे, देश को संभालेंगे, लेकिन वही बच्चे आग में झुलस जा रहे हैं, उनका कोई पता नहीं चल रहा है, प्रशासन कोई भी आश्वासन नहीं दे रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।